अच्छा, सो व्हाट डू वी नो हियर? हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि लंदन जो था वो बहुत रैपिडली ग्रो किया था वर्ल्ड एक अच्छी कंट्री के लिहाज से, ठीक है, ये वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड बन चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताया है कि अब यहाँ पे तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि यहाँ पे लाइट्स होती, क्योंकि दिन रात ये लोग काम करते थे। तो बाय द लेट 1700s लंदन जो है उधर बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प्स हो गए थे, ठीक है, और जो विजिटर्स जो टूरिस्ट जो आते थे वो अमेज्ड थे कि कितने जो स्ट्रीट लैम्प्स थे वो बहुत अच्छे लगते थे। तो द टूरिस्ट वर अमेज्ड बाय देम, दे वर अमेज्ड टू लुक एट हाउ लंदन हैज सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स, ठीक है। अब वी नो के जो लोग थे दे वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर्स, ठीक है। अब हमें ये पता भी चल रहा है कि एक जर्मन टूरिस्ट ने क्या लिखा था, उसने लिखा कि कितना अच्छा लगता था वो स्ट्रीट लैम्प्स, लाइक ही डिस्क्राइब्ड एज वी रेड, ठीक है। और फिर हमें क्या पता चला कि ही सेड, द जर्मन टूरिस्ट सेड, कि ऐसा लगता था कि ऑर्डिनरी डे पे भी, यानी आम दिन पे भी ऐसा लगता था जैसे वहाँ पे कोई फेस्टिवल हो रहा हो, कि कोई जश्न हो रहा हो, कि इतनी लाइट्स उधर थी। ओके, नाउ द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब जो लैम्प लाइटर्स थे, लैम्प लाइटर्स कौन थे, जो रात को या फिर शाम को लैम्प चलाते थे, अब वो जो थे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए थे सोसाइटी का। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन द कम्युनिटीज। They would walk in the same route twice a day, and as they checked, cleaned, fixed, lit, or put up the lights, they would notice that what was going on around them. Many lamp lighters helped to make their routes safer. Their job required energy, strength, agility, and reliability. They had to keep the lights clean, make sure the wicks were trimmed to the right length, light tens of lamps in the evening and put them all out again in the morning. Many lamp lighters were pleased to be guardians in their communities, and often the job would be passed on the parent to child. अच्छा, अब हमें यहाँ ये पता चला है कि जो लैम्प लाइटर्स थे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए थे सोसाइटी का। वाई? इसलिए क्योंकि उनकी जो जॉब थी इट रिक्वायर्ड energy, it required strength, ठीक है, and reliability, लोग उन पर भरोसा करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी ये सारा काम करने में, उन्हें लाइट्स चलानी पड़ती थी, बंद करनी पड़ती थी, देखना पड़ता था कि वो चल रही हैं, उन्हें रिलिट करना पड़ता था, रिलाइट करना पड़ता था, तो इतना उनका काम होता था, ठीक है। और यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि जो लोग लैम्प लाइटर्स होते थे, जिनके पेरेंट्स लैम्प लाइटर्स होते थे, उनके बच्चे भी लैम्प लाइटर्स होते थे। वाई? बिकॉज दिस जॉब वुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, यानी कि पेरेंट्स से चाइल्ड तक, पेरेंट्स से चाइल्ड में ये जॉब ट्रांसफर होती थी। नाउ द लैम्प पोस्ट ऑफ लंदन वर डिजाइंड विद अ बार स्टिकिंग आउट ऑन आइदर साइड एट द टॉप, सो द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लैडर ऑन देम। Lamp lighters moved quickly, carrying their ladder and going up and down at it hundreds of times a day. The lampposts were decorated with a royal crest and were looked after carefully by the lamp lighters. ठीक है, when gas lamps started to be used by from 1805 onwards, they changed the work of lamp lighters. यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि जो गैस लैम्प्स थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसको, लैम्प लाइटर्स को, और कब किया, 1805 ऑनवर्ड्स। द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर लाइट एंड डिडंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वर्क लाइक द ऑयल लैम्प्स। अब जो गैस लैम्प्स थे वो दे वर मच क्विकर टू बी लाइटन अप्ड, ठीक है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती थी उनको लाइट करने में जैसे कि ऑयल लैम्प्स में लगती थी। सच एज चेंजिंग द स्मेली ऑयल एंड रिप्लेसिंग एंड ट्रिमिंग वैक्स, ठीक है, ये हमें बता दें कि ऑयल लैम्प्स में तो चेंज करना पड़ता था लैम्प, ट्रिम करनी पड़ती थी वैक्स, लेकिन गैस लैम्प्स में ऐसा कुछ नहीं था, तो इट वॉज मच ईजियर।
Some of the lamplighters felt their job wasn't the same anymore. Charles Dickens captured this feeling in the story The Lamplighters. अच्छा अब क्या हुआ कि जब गैस लैम्प्स आए तो अब जो लैम्प लाइटर्स थे उनको तो अपनी जॉब वैसी नहीं लगी. वाई? कुछ हो सकता है अनएम्प्लॉय हो गए हों, उनकी जॉब ख़त्म हो गई क्योंकि गैस लैम्प्स आ गए होंगे. और उन लोगों को मतलब ऐसा लगता था कि अब उनकी जो जॉब है वो बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसे पहले होती थी. एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी फेमस ऑथर चार्ल्स डिकेंस. ठीक है, इन्होंने इस फीलिंग को, वो फीलिंग जो लैम्प लाइटर्स ने फील की, उसको उन्होंने पोर्ट्रे किया है अपनी एक स्टोरी में, द लैम्प लाइटर्स. द लैम्प लाइटर्स, व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प्स,